हुजूर वाला लेक्चर नंबर 9 में आज हम लोग बात करेंगे इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस। जुमले का टेंस भी चेक होगा, सेंटेंस भी चेक होगा। अब हुजूर वाला पहले कल हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस, ऐसे ही। उसके बाद हुजूर वाला ये पहली चीज हमने पढ़ी थी, दूसरी चीज क्या पढ़ी थी, नेगेटिव सेंटेंसेस। इन दोनों को हम असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी क्लियर हो गए। आज हमने क्या करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने हैं तीसरे, जिन्हें क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस भी कहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्लियर हो गया या नहीं हुआ, पक्का? चलो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एनी प्रॉब्लम? अच्छा बेटा, इनको उर्दू में कहते हैं सवालिया जुमले, ठीक है। इनको उर्दू में कहते हैं मुसबत जुमले, मुसबत जुमले। क्लियर हो गया, समझ आया नहीं है? और इनको कहते हैं मनफी या इनकारी जुमले। क्लियर हो गया। अब बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सवालिया जुमले कहते हैं, एनी प्रॉब्लम? यहां तक किसी को इशू बेटा? अब जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आपने कह दिया, अब मुझे पहले बताएं अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो थे उनका फार्मूला क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला मायरा बता दें जी। सबसे पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा जी, सही ना? आप बता दें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। नेगेटिव का फार्मूला बता दें, सब्जेक्ट आएगा प्लस डू नॉट या डज नॉट, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। क्लियर हुआ? अब हुजूर वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का क्या चक्कर है बेटा, डू या डज जुमले के शुरू में प्लस बेटा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आखिर पे साइन ऑफ इंटरोगेशन, इसे क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं। डू या डज को शुरू में लगा दो बस, क्वेश्चन मार्क आएगा बेटा बस, और इन जुमलों की पहचान या आखिर पे क्वेश्चन मार्क होगा। अब देखो मैं आपको हमेशा से एक जुमला बना रहा हूँ, वो क्या, मैं सेब खाता हूँ, मैं सेब नहीं खाता। मैंने पहले कहा था मैं सेब, इसमें मैंने एक चीज का इकरार किया, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं सेब नहीं खाता। अब देखे क्या मैं क्वेश्चन मार्क होगा। अब पहले जुमले की आपने जो ट्रांसलेशन की थी, सब्जेक्ट क्या, मैं, ऑब्जेक्ट और वो, सब्जेक्ट क्या था, आई एप्पल। क्लियर हो गया, फुल स्टॉप। मैं सेब नहीं खाता, आई ठीक है, आई डू नॉट ईट एप्पल। आई ईट एप्पल आएगा बेटे, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, या कोई सिंगल नाउन आ जाए। अगर सिर्फ उस्मान आ जाता, उस्मान ईट्स एप्पल, शी ईट्स एप्पल, ही ईट्स एप्पल, इट ईट्स एप्पल, बाकी जितने भी आपके नाउन्स या प्रोनाउन्स हैं सबके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल यूज होता है। ईट बताते खुद प्लूरल है, इसका सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे ही इसका इजाफा करते हैं। और आई जो है, आई ये वो वाहिद सिंगल नाउन है जिसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं,
آئی گرو، جس کے ساتھ آنے والے ابو کے ساتھ ایس آئی ایس کا اضافہ نہیں، یہ فرسٹ پرسن سنگولر ہے نا، تھرڈ پرسن سنگولر نہیں ہے. اگر تھرڈ پرسن سنگولر، تھرڈ پرسن کا جواب کے سامنے نہیں ہے، اگر تھرڈ پرسن سنگولر ہوتا، تھرڈ پرسن پلورل کون دے، وہ زیادہ زیادہ دکھ، اس کے ساتھ بھی ای ایس ایس کا اضافہ نہیں ہوتا وب کے ساتھ. تھرڈ پرسن ہو، سیکنڈ بھی نہیں، سیکنڈ یو ہے، فرسٹ پرسن سنگولر آئی ہے، فرسٹ پرسن پلورل وی ہے، سیکنڈ پرسن یو ہے، سنگولر بھی پلورل بھی، تھرڈ پرسن پلورل دے ہے، تھرڈ پرسن سنگولر ہی ہے، شی ہے، اچ ہے، اور یا کوئی نام آپ لگا لیں. سمجھایا؟ کلیئر ہو گیا؟ تو آئی ایٹ بچے ایپل، آئی ایٹ ناٹ ایٹس، اوکے. آئی ڈو ناٹ ایٹ ایپل، کیا میں سیب کھاتا ہوں بچے جی؟ میں نے بھی فارمولہ آپ کو لکھ کے دیا تھا، سب سے پہلے ڈو آئے گا یا ڈز آئے گا، ایسا ہی ہے، ڈو یا ڈز، پلس سبجیکٹ آئے گا، پھر بچے ورب کی فرسٹ فارم آئے گی، پلس آبجیکٹ آئے گا، اور کوشچن مارک آئے گا. کلیئر ہو گیا؟ اب بچہ بات غور سے سننا، یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے، آپ کا سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے، یہ ورب ہے. سمجھ آیا نہیں آیا؟ حضور والا سب سے پہلے ہم لگائیں گے ڈو، کیونکہ آئی کے ساتھ ڈو ہی آئے گا، ڈو آئی ایٹ ایپل، بس نتھنگ مور دین دس. اور آگے کوشچن مارک، کیا میں سیب کھاتا ہوں؟ کیا میں کھانا کھاتا ہوں؟ ڈو آئی ایٹ فوڈ؟ کیا میں گاجریں کھاتا ہوں؟ ڈو آئی ایٹ کیرٹس؟ کیا میں مولی کھاتا ہوں؟ ڈو آئی ایٹ ریڈش؟ کیا میں آم کھاتا ہوں؟ ڈو آئی ایٹ مینگوز؟ کتنے جملے بنا ہوں کھانے کے، کھانے پینے کی باتیں تو کرتے ہو پورا. ڈو آئی ڈرنک جوس؟ ڈو آئی ڈرنک سوپ؟ ڈو آئی ڈرنک واٹر؟ ڈو آئی گو ٹو اسکول؟ کیا میں اسکول جاتا ہوں؟ ڈو آئی گو ٹو اسکول؟ ڈو آئی گو ٹو ہوم؟ ڈو آئی گو ٹو لاہور؟ ڈو آئی گو ٹو ایئرپورٹ؟ ڈو آئی گو ٹو شاپ؟ ڈو آئی گو ٹو پلے گراؤنڈ؟ ڈو آئی گو ٹو دا ہوم آف مائی فرینڈ آر دا ہاؤس آف مائی فرینڈ؟ کتنے جملے بناؤ گے بھائی؟ جانے کی باتیں کرتے ہو، آنے کی باتیں کرتے ہو، کھانے کی پینے کی باتیں کرتے ہو، چار ورب سے اب کتنے جملے بنا سکتے؟ پڑھنے کی، لکھنے کی بھی بتا دی ہوئی ہیں تمہیں، نہیں بتائیں تو ضرور والا، جو موٹے موٹے لائف میں جملے آپ کے استعمال ہوتے ہیں وہ تو میں نے بنانے سکھا دیا. سمجھ آ گیا؟ تو ضرور والا، اب اسی طرح اگر وہ سیب، کیا وہ سیب کھاتا ہے؟ کیا وہ آم کھاتا ہے؟ وہ ہے نا، جب جملے کے اخیر پہ ہے آئے تو پکی بات ہے یہ سنگولر سبجیکٹ ہے، ایک ہے، ایک تو یہ آپ کا سبجیکٹ ہو گیا، یہ آپ کا آبجیکٹ ہو گیا، یہ ورب ہو گیا، اور کوشچننگ سینٹینس ہے آپ کا، انٹروگیٹیو سینٹینس ہے. فارمولہ کا تھا ڈو یا پلس سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ کوشچن مارک. دیکھیں جی، اب بیٹا جو آپ کا سبجیکٹ ہے وہ ہی ہے، ہی، ایسا ہی ہے. اب ہی کے لیے ڈز آتا ہے، تو آپ نے کہنا ڈز ہی ایٹس، نہیں کہنا آپ، کیونکہ ای ایس یہاں آ چکا ہے، ہی ایٹ مینگو، ٹھیک ہے. کیا وہ سیب کھاتی ہے؟ یہاں میں کھاتی، بس یہاں ڈز آئے گا، ادھر شی آئے گا، باقی سب وہی ہے، سائن اپ انٹروگیشن لگاؤ. کیا وہ بکری سیب کھاتی ہے؟ ڈز اٹ ایٹ ایپل؟ ڈز اٹ ایٹ ایپل؟ کیا عثمان سیب کھاتا ہے؟ ڈز عثمان ایٹ ایپل؟ کیا وہ سیب کھاتے ہیں؟ کیا وہ سیب کھاتے؟ اگر یہ آ جائے زیادہ نا، ہیں آ گیا آخر میں، تو پھر زیادہ لوگ ہیں، پھر زیادہ لوگ ہیں. تو اب بیٹا یہاں پہ ڈو آئے گا، ڈو دے ایٹ ایپل؟ ڈو دے ایٹ ایپلز آر مینگوز؟ یس. اب زیادہ لوگ زیادہ ہی کھائیں گے نا، ایک تو نہیں کھائیں گے. کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ سو دس از دا وے ٹو فارم دا انٹروگیٹیو سینٹینسز. فارمولہ آپ کے سامنے ہے، نہیں سمجھ آیا تو پوچھ لو، جس کو سمجھ نہیں آیا کھڑا کرے. ادھر دیکھیں، میں پھل ایک کھاتا ہوں، میں پھل کھاتا ہوں، یہ پازیٹیو سینٹینس ہے. اس میں سبجیکٹ آیا، آبجیکٹ آیا، ورب آیا. فارمولہ سیدھا سیدھا، سبجیکٹ آئے گا، ورب آئے گا، اور اس کی سمجھ آئی نہیں ہے نا؟ تو سبجیکٹ کیا؟ میں آئی ایٹ فروٹس،
फर्स्ट फॉर्म आएगी बेटा, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रॉब्लम किसी को? आई ईट फ्रूट्स, आई ईट मैंगोज, आई ईट एप्पल्स, आई ईट पिज्जा, आई ईट ब्रेड, आई ईट क्या क्या खाते हो, आई ईट पेस्ट्री, आई ईट क्रीम रोल, आई ईट क्या, आई ईट केक, आई ईट फ्रूट चाट, आई ईट कैंडीज, आई ईट बस चॉकलेट। अब इतनी चीजें आप खाते हो यार, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना आ गया। मैं फल नहीं खाता हूँ, नहीं जब आ जाएगा जुमले में, यहाँ पे आ गया नहीं, जब नहीं आ जाए तो जुमले का फार्मूला बन जाता है सब्जेक्ट। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, पहले आएगा डू या डज, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब आएगा ऑब्जेक्ट ऑफ स्टॉप। अब वर्ब से पहले डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। डज किसके साथ आएगा? ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा। और डू किसके साथ आएगा? आई के साथ आएगा, वी के साथ आएगा, दे के साथ आएगा, यू के साथ आएगा, और प्लूरल नाउन के साथ आएगा। किसके साथ? और ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ बेटा कौन आएगा? डज आएगा। नहीं समझ आए? मैं फल नहीं खाता तो सिर्फ आपने क्या करना है, आपने आई वहां पे रखना है, आई डू नॉट। पॉजिटिव जुमला किसमें चेंज हो गया? नेगेटिव में। बस इतना फर्क लाना है, फार्मूला वही है, लेकिन अगर वर्ब से पहले डू नॉट लगा दिया तो जुमला नेगेटिव हो जाएगा। अब आप सेब खाएंगे नहीं बल्कि नहीं खाएंगे। अब आप सेब नहीं खाते, अगर डू नॉट नहीं होगा आप सेब खाते हैं? डू नॉट वर्ब से पहले लगा दिया, आप सेब नहीं खाते। अब अगर मैं किसी से को बंदा मुझसे पूछता है क्या मैं फल खाता हूं, या क्या आप फल, ये तो पूछ सकते हो ना, घर का मेहमान आता है तो क्या आप फल खाते हैं, ये सवाल है जो आपने करने हैं। क्या आप गे नहीं ते हैं, गे बाद में आएगा, चाय पीते हैं, क्या आप फल खाते हैं, क्या आप आम खाते हैं, क्या आप सेब खाते हैं, क्या आप पिज्जा खाते हैं, क्या आप रोटी खाते हैं, क्या आप खाने, पूछ सकते हो ना। तो जरूरी वाला क्या तो छोड़ दो ना पीछे, सब्जेक्ट क्या आप, फल क्या ऑब्जेक्ट, खाना आपका वर्ब। जब जुमले के शुरू में क्या आ जाए और आपको यू कहते हैं, आपको तो जुमले से पहले डू आएगा। डू यू, डू यू ईट फ्रूट्स, क्या आप चाय पीते हैं, डू यू, अब क्या रहता है पीछे भैया जी, क्या प्ले, क्या आप खेलते हैं, क्या आप फुटबॉल खेलते हैं, लो मैं बोल देता हूं भी, क्या आप फुटबॉल बॉल खेलते हैं, ठीक है, तो आएगा डू यू। हाँ जी, अब देखो ना बेटा, आप आपका सब्जेक्ट है फुटबॉल, ऑब्जेक्ट है खेलना, आपका वर्ब है, पहले सब्जेक्ट आएगा यू, लेकिन उससे पहले डू आएगा, यू के साथ डू आता है, डू पहले आ जाएगा, हाँ, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, बाद में वर्ब आएगा प्ले, और फिर आएगा फुटबॉल। डू यू प्ले फुटबॉल, देखें सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, क्लियर है, पीछे डू आ गया और आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये है जुमला, क्या आप हॉकी खेलते हैं, डू यू प्ले हॉकी, डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले बैडमिंटन, डू यू क्या पूछोगे यार, इतनी चीजें जो आप पूछते हैं आप लिखें। डू यू प्ले, आप आंग मचोली खेलते हैं, आप छुपन छुपाई खेलते हैं, नहीं समझ आए, तो डू यू प्ले हाइड एंड सीक। बेटा जी पहली बात तो आप प्रोनाउंस देख लें, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है ये वो आपके वर्ड्स हैं जो आप नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका सिंगुलर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है, और जो प्लूरल है वो वी है,
आई को हम मैं कहते हैं और वी को हम कहते हैं। ये इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? ठीक है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी, इसको मुझे कहते हैं, उसने मुझे मारा। इसकी ऑब्जेक्टिव, जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा ना तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होती है, और इसकी मलकियती शक्ल इसकी पोसेसिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ठीक है, इसकी पोसेसिव फॉर्म कौन सी होती है? माय। इसकी पोसेसिव फॉर्म माई होती है। इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस होती है, अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो अस आएगा, और अगर इसकी मलकियत होगी तो ओवर आएगा, हमारी हमारी। सेकंड पर्सन जो आपका प्रोनाउन है वो यू है, वो क्या है? इनके साथ भाई ई एस और एस का इजाफा नहीं करते वर्ब के साथ, ठीक है। सेकंड क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो यू है, ये उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है। यू सब्जेक्ट है, इसकी जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है वो भी यू ही होती है, और जो इसकी पोसेसिव फॉर्म है वो भी वो योर होती है, आपकी, योर्स, योर। इसकी मलकियती शक्ल योर होती है, ठीक है, समझ आया नहीं है? अब है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होते हैं ना, थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो है, ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स हैं बेटा, ये गायब के लिए इस्तेमाल होते हैं थर्ड पर्सन। अब ये कौन कौन से हैं? ये ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है इनकी, ये सारे सब्जेक्टिव फॉर्म है। ये सिंगुलर है, कौन से? ये इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है हिम, इसकी होती है हर, इसकी होती है इट। इसकी मलकियती शक्ल, ये इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसकी मलकियती शक्ल होती है हिज, इसकी हर ही होती है, और इसकी इट्स। अब थर्ड पर्सन प्लूरल कौन होता है? दे, सब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या? देम, और पोसेसिव फॉर्म क्या? दियर, ठीक है। ये मलकियत को जाहिर करेगा, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। जब आपका दे ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी ये शक्ल होगी, और जब वो सब्जेक्ट बनेगा ये होगी, और जब वो किसी की मलकियत को जाहिर करेगा ज्यादा लोगों की तो वो दियर बन जाएगा। वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अब वो आपका सब्जेक्ट है, अपने बच्चों से, इसमें अपने पोसेसिव फॉर्म, बच्चे जो है ये ऑब्जेक्ट है, प्यार करना वर्ब है, समझ आ गया? करते हैं ना। अब हुजूरे वाला वो आ गया दे, वो देखे पहले सब्जेक्ट आएगा ना दे, फिर क्या आएगा? वर्ब आएगा, दे लव, ये वर्ब आ गया, ठीक है। अपने बच्चों से दे लव दियर, मलकीती शक्ल है, दे की मलकीती शक्ल दियर होता है, दे लव दियर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं बच्चे, दे लव, वो बच्चों से प्यार करते हैं, दे लव चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, डियर चिल्ड्रन। मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं, आई लव माई चिल्ड्रन। तुम अपने बच्चों से प्यार करते हो, यू लव योर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों से प्यार करती है, शी लव्स, शी आ गया ना, लव्स आ जाएगा, शी लव्स हर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों से प्यार करता है, ही लव्स हिज चिल्ड्रन। ये समझ आ गया जो मैंने पढ़ाया? ये समझ आ गया या नहीं आया? क्लियर हो गया? ही मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, शी औरत के लिए, इट बेजान चीज के लिए या जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, और दे ज्यादा लोगों के लिए, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो लड़के हो, चाहे वो दोनों हो, दे ज्यादा लोगों के लिए थर्ड पर्सन। यहाँ तक समझ आ गया? अफर्मेटिव बनाना आ गया, नेगेटिव बनाना आ गया, इंटरोगेटिव बनाना आ गया। अब एक रह गया नेगेटिव इंटरोगेटिव, उसमें क्या होगा? डू पहले आ जाएगा और नॉट वर्ब से पहले ही रहेगा। क्या मैं सेब नहीं खाता हूं? तो डू आई नॉट ईट एप्पल, बस। इसके बाद बेटा कॉन्टीन्यूअस पे चले जाएंगे, फार्मूला बताऊंगा, काम करवाऊंगा, पहचान बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा, काम करवाऊंगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नए लेक्चर में नई बातों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।